हेलो हेलो, हेलो। आवाज़ धीमे आ रही, कहीं बिजी हैं क्या भाई साहब? नहीं नहीं जस्ट मैं था। कौन बोल रहा है? आपका मैं बहुआ वीडियो बोल रहा शेयर हूँ, करें, आपसे उसको एक मिनट लाइक चाहिए भाई करें, साहब। शेयर करें क्यों और अपने क्यों, दोस्तों के क्या साथ सबका शेयर जवाब करें। मैं दे यहाँ दूंगा? लोग हाँ, मैं कहा बोल कौन रहे बहुआ हो? बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरा एक बहुत मिनट ज्यादा चाहिए। हुआ मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, एक भाई साहब मिनट सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा, भाई, एक मिनट, नहीं मतलब सच में एक मोर मिनट। वीडियो जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं, वन धन्यवाद। टू थ्री फोर फाइव। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक, हाँ ना, ठीक है भाई, बोल आओ सॉरी भाई। सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है, दस हाँ, ग्यारह ये बारह, टिक टिक अपने बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप, 15 16। अरे ये बस कर यार, हाँ आप बोल जिंदगी, अब। सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं, कोई पहले आपके पास आता है आपको तो ये फोन, पीछे से बात बंद कर, घड़ी की टिक टिक अपने दे एक सेकंड मेरे भाई साहब, साथ। एक सेकंड रुकिए। 30 31 32, सुनिए, क्या जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब एक मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। पैंतालीस हाँ जल्दी छियालीस बोल आगे। हाँ सैंतालीस अड़तालीस उनचास हाँ पचास, लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका एक मिनट ले लेता है। 3 2 1 0, जैसे मैंने एक मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा एक मिनट ले ली। यार तू है क्या भाई? मैंने गलत, 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया, यही तो पागल मैं, है क्या यही मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब, एक दो तीन, मेरी बात सुन, सुन मेरी रहा हूँ। बात हाँ सुन, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है, एक दो तीन, वो पता है आगे से इतनी, भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या वो कर, इतनी छोटी है, वो सोलह इतनी छोटी होती है, ना इतनी ना ना पूरे एक 21 22 23 24, अगर बिल्कुल गलत, बर्दाश्त। 30 29 28 27, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक एक सेकंड ऐसे ही छूट रहा है, जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय, बंद कर दे भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई हेलो, कौन? साहब नमस्ते, नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद कौन मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का, ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा हुआ है लेकिन है कौन, तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं बहुआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो फोन क्यों किया मुझे है? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या, अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। ये आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, दो चार तब मन कर जाएगा थोड़ा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया तू भाई साहब, पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों क्यों पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। मैं तेरी साले का सर तोड़ दूंगा भाई साहब, सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा, हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे ओ तू पागल हो गया है क्या? एक जब एक जब आप अस्पताल ले जाओगे, फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप पागल हो गया एक जगह, फिर आप बोलोगे मैंने इसको सर तोड़ दिया, हाँ फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, हाँ तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं मैं बोलूंगा इसने फोड़ा है, इसको पकड़ लो। अच्छा मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले लेगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस आप आगे मन नहीं है भाई साहब, ठीक है मन कराता भाई साहब, गलत बोल रहे आप, सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल। इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए।
एक किसान, किसान अच्छा फार्मर, हाँ, बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेते हैं भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है, है ना, और इसके हाँ। लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है वो हाँ। सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने हाँ। खेत पर गया, मेहनत की, हाँ हाँ। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने दो रोटी खाई, हाँ हाँ। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ। आराम किया, फिर शाम तक हाँ। मेहनत की, हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई, फिर क्या हुआ आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल कर रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है। सो रहा तो ना तू के एक बात क्या हो गया तेरे को, सीसी क्यों कर रहा है भाई, वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना, तो बस वही वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिड़ी क्यों। क्या बता रहे मुझे, मैं हेलो शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना बोल के, फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 FM बजाते रहो, अंकिल नमस्ते बोल। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी, मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है, सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अबे साले पहले ढंग से बोल ले, नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार हाँ, पड़ गए हाँ, हाँ। तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों बता, कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, इग्नोर हाँ। किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया हाँ। फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी, अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए अस्पताल में। सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या, फल फ्रूट लाते हैं, और क्या लाए? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना, अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। मैं खरबूज ले आएंगे, छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। मैं तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। मैं सेब हो गया, केला हो गया। हाँ सेब, सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे भाई साहब। गलत बोल रहे हैं आप, एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे। एप्पल और सेब सारे तेरे ऐसे नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे गलत आदमी, अस्पताल में तरबूज, सॉरी अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल नमस्ते बहुआ बोल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही है। हाँ। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी।
सॉरी, तो बहुआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी, कोई कुछ भी बोलता था डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है, फिर वो अलाहाबाद गया। फाइनल लाइन उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि नियत कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है अपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 जी, जी करने का। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ? 93.5। अच्छा, उसमें तीन नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है, जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी, जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू इट्स नो फ्रॉम माय साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो अलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था, नो मींस नो। इसलिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज बहुआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मींस नो, नो मींस नो, no dash just no, no baat khatam. Thank you Vatsa bhai. Thank you. Swad sugandh ka raja. Thank you, thank you. 93.5 Red FM bajate raho. Thank you very much Vatsa bhai. Is page ko subscribe karo aur yahan ka ghanti ka icon hai na, ghanti baja do. Theek hai, sara bahua yahan sunte raho. Namaste uncle, main bol raha hu. Hello bhai sahab. Haan ji, uncle namaste. Ek charcha bhai sahab, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बहुआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या लगता है? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना? गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए? बैरागी, एक व्यक्ति के लिए। हरी के पिताजी का नाम दर्शन। हरी के? अच्छा। पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन, मैं एक मिनट, हरी के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरी की वो लाइन होती है। कैसे? हरी आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरी ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरी ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी, ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब, बताता हूँ। आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या? गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं, अबे वो हरी को बुला रहे हैं। हरी वैलिड ऑफर टिल
जब तक ये चिट्ठी आई थी तब तक ऑफर वैलिड किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपरी लिपोली कहती है गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज एलएल लुपरी लिपोली 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा भाई? भैया बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे एक मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अब तो मेरे क्या करना है इसमें, मेरे भी फोन किया। आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब, किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। तो कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इसमें को लगता है इसमें मोबाइल कंपनियां, मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी मदद यार? सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीन शॉट में जो वॉलपेपर होता है उस पे बाई डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं स्कैन कर डालते भाई साहब, और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात सही बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घुटते हैं? मैं साल रैपट मारा हूँ, यूज कर रहे हैं, यूज करना चाहिए। तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घुटते, अच्छा। दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहां पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि समाज रहा है। जी भाई, मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी होगी होती चर्चा, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आपके पास भाई। प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें, खबरें आ रही हैं। रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? खुद भी हंस रहा है, पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊँ। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपया गिरने की। को धर्म बना लिया रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू है भाई साहब? गलत बोल रहे आप, गलत आदमी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम।
बच्चा लगता जो है उसका, भले नजायज हो तो क्या, तिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट, गलत बोल रहे भाई साहब। हेलो हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा है, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो 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 भाई साहब, अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलत नहीं, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल जल्दी बोल, फोन काट दे चल। क्या फोन काट दे चल? क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को, क्या तेरे को, तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा है तू, काटना मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे, अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा, पता क्या कर लेगा तू। मैं भी नहीं काट रहा, जा मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ ऐसे चल। तेरे तू काट ना, तू काट, नहीं काट रहा बता क्या कर लेगा। मैं बैठा रहूंगा, मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा। मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुनना, हेलो हाँ बोल बोल, फोन काट दे। हेलो हेलो, कट रहा है, तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना। तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को, तू काटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना, तू काट। मैं आवाज तो निकल नहीं रही है, आवाज निकल नहीं रही तेरे, तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं, नहीं तू काटेगा। नहीं मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। सुबह सुबह फोन करके। हेलो सुन, हाँ सुन बता, फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरी अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही, तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट। अच्छा रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब, प्लीज फोन काट दीजिए। ऐसे प्यार से बोला करना। चल काट दिया प्यार से भाई। बाबा बाट तेरे ओ जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फोन काट दिया अंकिल, नमस्ते बउआ बोले। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई, मैं अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना, मैं उसका वही नोएडा में रहता है, काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था, जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा, 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी, तो मैं आगे तो मेरी मर्जी, तो सुनना मर्जी। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना, दे दिए डंडा। गलत बोल रहे आप, फोन काट। अरे एक सेकंड, अबे क्यों दिमाग कर रखी यार तुम, क्या हो गया भाई? हेलो 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 हेलो, कौन की बात कर रहा? हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ, कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना गार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं नहीं, फिर क्या था 2? अरे आप काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज इसको। गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे क्या उस था सत्संग गए थे ना, सत्संग पड़ जी लेके। मैं और 3 तारीख को वापस, 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे, गायतुंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है?
हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है, वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो एक मिनट, तो मैं एक सलूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए, मतलब कुछ कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए, कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किस तो पड़ोसन को? हाँ क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी है उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अब तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभाली अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर दे। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ, फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमन मैन। अरे बी अ वन वुमन मैन, चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बहुआ, बोले रेडियो पे बजाते रहो। हेलो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सब्सक्राइब करना ना भूले बुआ की बातें चैनल को। हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, बहुआ बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए। एक सर्वे के लिए फोन किया है। हाँ जी, आपके पास पेन होगा? है, पेन है। तो उससे मेरे को क्या फर्क, फोन पे से थोड़ी दोगे? तो पूछ रहा है जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके घर क्या क्या सामान है उसकी हम लोग लिस्ट बना दे। अच्छा, दाल है? है। चावल है? चावल है। सब्जी? सब्जी है। अच्छा, सूजी है? हाँ है। सूजी है? हाँ। फिर तो बहुत दर्द होता होगा यार, सूजी है? सूजी है। गलत बोल रहे, मैंने पूछा सूजी है तो आपको दर्द तो होता ही होगा। तो सूजी खाने वाली? अरे आप ही ने बोला सूजी है। फोन क्यों? आप काटते हैं, फिर नहीं करूँगा। फोन करता रहेगा। सॉरी, सामान का लिस्ट। दूध है? दूध है। चीनी है? चीनी है। चीनी है, उसको पकड़ के रखना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। ठीक है। और कुछ? बैड सेंस ऑफ ह्यूमर, दिमाग खा रहा। सॉरी, ब्रेड है? ब्रेड? ब्रेड? ब्रेड नहीं है। अच्छा, एक और, सूजी है? कहा तो था सूजी है। लेटने और बैठने में तकलीफ तो नहीं है? तेरी होगी थोड़े दिन बाद, देख। इतनी दर्द होने घुस घुस के अंदर। आप ही ने बोला सूजी है साले, सूजी है, बोल क्या करेगा तेरी पूरी। हेलो। हेलो जी, मैं सुरभि। कौन से? हाँ। गाली किसको दे रहे थे? वो ये लड़का वाला फोन कर रहा था। कौन लड़का? दे रहा था, परेशान। कौन लड़का? कोई परेशान नहीं, पूछो ना। तमीज से बात कर, आधा बैलेंस चूस लूंगी। अबे पूरा चूसना है, चूसना है तो चुप रहो। सॉरी बोला ना? सॉरी बोला ना। आपके एक ऑफर निकला था इसलिए बताना था आपको। बताओ क्या ऑफर? अगर आप आज 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा आपको। अरे जल्दी बताओ, जो भी बताएगा, टाइम नहीं, जल्दी। हाँ, 2 किलो सूजी मिलेगा। हेलो। सूजी दे रहे हैं? मैं पूरी सुझा दूंगा तेरे साथ बैठी। इसको क्यों बोल रहे हो? सुडभि को मैं बोलूंगा, ये भी तो ये। हाँ जी, कर दिया। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अगली बार हलवा बनाएं तो याद रखें कि सूजी हो। हाँ जी, सॉरी। हेलो, हिमांशु ने फोन करके बहुआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच ली एक बार, कौन होगा अच्छी कौन से जांच लूंगा मैं। आजकल पता ना चलता ना, आज कोई आवे बता रहे कुछ निकले कुछ नहीं। नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं मेरा हुक्का पकड़ा दे, हुक्का ले लो भैया, फोन बात करो। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल।
अच्छा कौन बहुआ? मैं बहुआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है? नहीं नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। पापा कहाँ काम करे करे तू? मैं तो फ्री में, कहीं काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुक। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा? मैं एक सेकंड कर रहा, जो भी कर रहा है। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही, फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, अपने लायक। ठीक है, आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, पैर भी सही है, वो भी सही है। वो नहीं नहीं नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई? वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी? हाँ देखी है, उसी पाइप से गला घोट दूंगा। हमारे पाइप हुक्के की। सुनिए मैं कह रहा हूँ, आपकी उंगलियाँ भी बढ़िया है ना? उंगली? हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी। हाँ बेटे, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी दो उंगली को चोट मारकर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे दोबारा कहना? उंगली का चोट मारकर टेढ़ी कर देंगे, दो उंगली उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी चाहिए भैया। वो करवाने की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ, तो देने टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आज गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? टेढ़ी उंगली लेके तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना बता दे भाई? टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, डेयरी का दुकान है हमारे। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया? क्या कर देंगे? तुमने खाना टेढ़ी उंगली की है, टेढ़ी है, तुम्हारी टेढ़ी करवा दूंगा। फोन दाग नौकरी किसको लगा दिया फोन तूने? गंडा बोल, गंडा बोले पापा, क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? प्रभाष पूछ रहे थे, रौनक भाई अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकते हैं? सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो, ओ कौन? लेडीज, आर यू लेडीज? लेडीज लेडी, आई एम लेडी। व्हाट अ कोएक्सीडेंट, आई मस्ट से दिस। कोएक्सीडेंट? मैं बउआ बोल रही हूँ, लेडीज। बउआ ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलना आया हूँ। अच्छा बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए? नाम वाम पूछ लो उसका। नाम? हाँ वेटिंग नाइस, एक सेकंड, आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या पप्पी? लड़की का नाम क्या है बउआ? पप्पी बोल दी है, ये तुम नाम ले के बता रही हो? हाँ। कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में, तमीज में। अच्छे सोच, कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी। सॉलिड आदमी। Hey ladies. Yes, बउआ। पप्पी yeah. सुनो दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनीदर की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो शाहरुख खान फोटो। अच्छा सॉरी, थोड़ा रोमांटिक। शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया। शाहरुख का मारू? हाँ शाहरुख। एक सेकंड रुक। ए पप्पी। यस बउआ। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं पप्पी दे दो। पप्पी चली गई। पप्पी गई? गई यार। पप्पी नहीं रखे गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? हेलो अबे अबे ओ क्या ऐसे क्यों? अभी तक तो पैर से समझा रही थी। आवाज सुनिए अपनी आवाज, से पता नहीं दो दांत आगे टूटे उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने? एक सेकंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। और ये चोर को देख के सीधा भाग गया। नहीं रेलवे स्टेशन क्यों चोर है तू भागा? नहीं नहीं देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन भी गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया हाँ। चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। बताओ बताओ क्या है? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम कोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई।
क्या बगे जा रहा है? अब क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ने चाहना। स्टेशन चोर का फूफा था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता मुझे, क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस, एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर शॉप मिलता। तो पेपर शॉप का क्या? मैं उस पेपर शॉप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया रहा? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। अब जो हाथ, एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक? हाँ बोलो। वो से पूछो, इसके पास पेपर तो बचे हो 2-4? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपने डाले 2-4 पेपर। क्या गंदा वही। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, चुप। गंदी बात, छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। पछताएगा कल का लौंडा। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बहुआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बहुआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बहुआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरण सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई चाहे लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं एक गाना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, मैनू मैनू कायदे से गाने तैनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो यो कवि ने। यो यो कवि, यो एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बहुआ, तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस अच्छा। गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। तो मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है, पहली लाइन है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड, छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंने। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए, चिंता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी गलत तरीके अपने बैसाखी को। सर, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे ले लूंगा, कौन बच्चा ले? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नहीं, मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या? अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल है पानी के? क्या? मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अब तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन? मैं है? एक मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार। किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा? तो पानी का राजा है तो गाने घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपने छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, राजा बेटा बउआ उठ जा।
राजा बेटा, राजा बेटा की पे लात नहीं मारी हमने। गया तू बोल गया। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होकर दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है? मछली जल की, मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या है? हाँ, ये तो मैं भी कर लूंगा, मछली करेगी। मछली का डिडी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुले हैं इसकी। I love you too बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ मछली जल की रानी है, और तूने आज अपनी नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। मैं बहुआ बोल रही हूँ, एक सेकंड, दुखी है गाय, परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना रही, एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर, कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने, देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। चेते दिमाग खा, पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, खानदान को फोन कर। पाजी तुसी पंजाबी है गे? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, मैं तू अपनी काजे दिमाग खराब करता है। काजे पाजी रख दे। हां जी दफा। अरे कने दे तो कुछ लाना है तोड़े वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। हेलो एक क्या? एक दो क्या? दो तीन। अड्डे दुखी है, मैं फूंक जाऊं तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंक मैं। नहीं नहीं फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तो भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों जाऊं, पता है? पता भाई, क्यों फूंक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, और एक रखा। चाटा मारूंगा तो फूंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ, मुझे रोहिणी जाना है, डेढ़ महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। अबे फूक फूक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा शमशान घाट में, अरे मर जाएगा। सुनिए क्या चाहिए बता? इतना फूका है मैंने और कदम रखा है फूक फूक के कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा, मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी, फूक ही खत्म होगी तेरे तो। ना इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनके उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी, ए बहुआ उपले डाल दिए थोड़े फूक मार दे। अबे तेरी काकी की जो काकीड़े काकीड़े सुनेंगी ये काकीड़े। फोन रख। आई साड़े फूक फूक से गुब्बारा भरता है। अबे फूक फूक का गुब्बारा भरता, गुब्बारा फोड़ दूंगा तेरे तो गलती नहीं जाएगा। और एक कदम। अबे क्या गलती, फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूक दो यार। फोन रख, फूक दो। अजब फूक तब। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन जी? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे।
कौन बोल रहा है भाई, दो के चार मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बहुआ बोल रही हूँ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मैं बहुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? चाय। कहवा? कहवा। खोलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना टिक्की? क्या? नहीं मैं तो बहुआ बताया, बस बहुआ, चय से तो चम्मच होता है। नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ? जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई, चाय, कवा, क्या है ना ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गरम। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गरम हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा, उस रॉकेट और चलती ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गरम है। गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्णब गोस्वामी, वो भी बहुत गरम आदमी है, निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे, आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते ना, तू खाता होगा, मैं तो गरम खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? गरम मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगड़ बोलिए, जिगड़। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस गई है। फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएल जी का अमरीश पुरी, राजनीति, आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बहुआ? नहीं वो सब ठीक है, हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं हम कह रहे हैं, हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा? खर्चा नहीं, चर्चा। चर्चा से चर्चा होती है। और चर्चा से जो आप हैं। अच्छा तू कौन? चाहे मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर, चतुर था, अरे चतुर। है। भाई साहब अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे, ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी उस पे प्रकाश डाल रहे हैं। लाल बत्ती से सबसे पहली बात, दो चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा, लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ, वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का। रुकने का, खतरे का। खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। खतरा भी, इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। नहीं, तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओ माय गॉड, गलत बोल रही। इनका बैठा की नाम क्या है? इनका नाम है रेबेल वक्कू। आप रेबेल वक्कू हैं? कौन है? ये बैठागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबेल बक्कू, इस बार की चिट्ठी बैठागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट द कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटर लिम्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने, थैंक यू, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। तो पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ तार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने नहीं दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने फोन बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान, आपने कॉलर ट्यून सुनने, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ तार दबाएं। हेलो, अजीब आदमी यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो, इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं।
मोहन भार्गव, अभी तो ये कबीर खान था। एक मिनट मैं करता हूँ आपको वापस से, आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो ठीक है। आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1234। हेलो, तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए क्या बोल रहा है? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी कौन? राहुल जी इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइफ बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर एक मिनट हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो फिर लग रही है, अभी सामने जोर से लगेगी भीड़ भाई। कड़ मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला जीरो वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है, इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम? पिक्चर देखो बस, समझे? जीरो पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है ठीक है। प्रणाम बोलिए, सर को नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर नमस्ते, शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए बहुत हो। हेलो विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया मैं नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं, आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर दो मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ हाँ नहीं माँ, अबे तेरी बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी। आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये, अबे तेरी, सॉरी सॉरी सर। तो आर्थराइटिस हो गया था ना, वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारी घर पे ना दो दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आएगी जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है, किसी और काट रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला, मम्मी के घुटने में दर्द है, दो दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे दो मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे हैं, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोंछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू देके मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी, आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है? नहीं दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं नहीं वो अपनी बांस की लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। हाँ मैं क्या करना, वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की ले। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ए बस ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले, अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी फोन काट। बैठे बस। हेलो भाई, मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सेंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है, ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते बउआ, मैं आपसे एक मिनट, एक मिनट, सॉरी हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है, एक मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था, कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं,
आप अगर एक मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस एक मिनट में? एक मिनट में, एक से दो। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ वरना जैसे लोहे को लोहे का, लोहा काटता है हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास चार उंगली और एक अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं एक बता देता हूँ। चलो आप ही बता। आपकी एज यानी उम्र। ओह। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते? लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार भाई साहब, बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते हो? एक सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े, आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप, बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो, अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सब्सक्राइब करना ना भूले बुआ की बातें चैनल को। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन बोल कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा? ओ, ये चर्र चर्र। नाइस, मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब आई फॉर पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं या एक्सीडेंट का देते हैं या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। और मैं चला गया? नहीं नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ अभी? वही हूँ। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हलक तक पहुँचेगी, गर्म गर्म गर्दन तक जल जाएगा वो और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दी जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब अच्छा, तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान व्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोलो। आपने कुर्ता पजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई जूम और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठोका नहीं, उसके जूम करके जैसे वो निकल गई आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। घिसटते 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 मर गया मैं। नहीं 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 नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक और फिर मर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने धार करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए जिसमें से स्पेशली जो अनन्नास होता है पाइन एप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक, पाइन एप्पल में होते हैं कांटे।
ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है, तो इन दैट केस आवर कंपनी विल गिव प्रोवाइड यू सी। गलत बोल रहे भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा था, एक मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बता दूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। काम नहीं, बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे? पब्लिक प्लेस में क्या, जो चीची बोलने से सड़म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ तो सड़म आ रही है, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची, तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो, मैं भी हेलो बोलूँ या नमस्ते बोलूँ? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे दो मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे दो मिनट भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले, कौन है तू, खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूं। हेलो, फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा, कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ? मैं भी तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ। हाँ, तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू। आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, बंदर से? बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे, वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे चूहे और बंदर। एक थे कि भाई मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपके आँख के सामने आएंगे, आप बाइक चलाओगे आँख के सामने बाल आ गए आप किसी को ठोक दोगे। सुनो, हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो, जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है दो इंडिविजुअल की लड़ाई, दो कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, और दो लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच दो लड़ाई हो जाए, जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया मैंने। आप, मैं आप, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए, आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। 93.5 बउआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियां बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो, हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए, और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया, कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो
हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या बात क्या कर रहा था। बोलो कौन बोल रहा? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा, डंडी फूटा क्या पहुँच रहा खजूर लेने? कौन है इतना बड़ा? इतना डेढ़ से तो बड़ा ही है डंडी फूटा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाटा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे। छोटा होगा तेरा बाप चाहे, तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरे एक फोन आता है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं, खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम इस नंबर से क्या नंबर, कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम, लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था, खजूर बेच रहा था। हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो अभी? बहुत बड़ा प्लान है, खजूर बेच रहे हैं। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड, हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साले, पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर ही नहीं मिलेगा, खजूर ही दिखेगा। नहीं आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहा तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो, कौन बता तो सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो। हाँ जी, मोबाइल में ना। हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास सबके पास। आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा तो क्या बोल रहा तू? मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होती, अलग। एक मिनट, हेलो हेलो। ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, देख रिपीट कर रही है, देख रिपीट कर रही है। भाई वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, फोन में होता है, फोन में होता है। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन, तू क्यों बना रहा? मैं बउआ बोल रही हूँ। चुप, देखा गाड़ी? गाड़ी ये देख, गाना भी गाएगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, दिल ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा क्या बात? मैं बस ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल, ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो फोन काट। हेलो हेलो, तू ही बात कर ले, तू ही बात कर ले। हेलो हेलो, पागल बना रहे हो तुम? ये कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? कौन है, कौन तू? तेरा बाप। साले ढंग से बोल, बनाते लोग। चुप करा इसे, चुप करा इसे। ये दिल ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो, अमित कहते रौनक भाई दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्ती ली सुनते हैं। हेलो जी, तुम सदमा रही हो? थोड़ा थोड़ा। हेलो, फर्स्ट टाइम ना। मैं और तुम्हारा बउआ और तुम इस पार्क में। पार्क में दिल गार्डन गार्डन हो क्या? मिला दिया फोन। हेलो, और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना। कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ गधा फोन लगा के भूल गया। तुम्हारे उधर टप्पी उप्पी ले रहा आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो क्या बउआ? ओहो क्या छुपा रही हो, क्या कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? आज भी तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तो बता दो। अरे बता भी दो आखिर तुम वो
मीठी वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अबे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा इधर भेज दे भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं। सुनो, मैं कह नहीं हूँ बहू, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? मैं मानने को तैयार अच्छा कोई आवाज नहीं है, है। कल बाशिकी करी बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड कौन है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे प्यार कर, तुम्हारे लिए जान दे, धूम थ्री फिर देख सकते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया बुआ? Now you set up. अच्छा हेलो, अच्छा टाइम पास है? अच्छा कोई टाइम पास बोल रहा है? टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ बार बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग बैग ओजे फोन कनेक्ट हुआ किसी को? सुन हेलो। हाँ भाई अंकिल, फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर रहे हो? हमारे अगर रोमांस चल रहा है फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अरे खुनू मैं, तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो पार्क में बैठे हुए? अजय कद्दू की सब्जी, वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में करकुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है, निकल जाता है। कद्दू की सब्जी बना रहे क्या? इसको सब पता चल, कुछ नहीं पता। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के तुम मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओ कौन बोल रहे? बउआ बोल रही हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? मैं कह दो वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हो? मैं कह दो वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना? हाँ जी। कल कौन सा डेट था? ची नहीं जाना मुझे लगी नहीं, तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊँगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रख। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था, प्लीज एक बार। हग दे। ठीक है तुम कहती हो तो कल के आता हूँ, जा रहा हूँ 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था उतने तो कर ही लूंगा। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह दी थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओ तो पहले बोल रहे थे, मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ पूरी ये। आज किस दिन? अच्छा कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल देर से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन? आ जाओ कुजियो पटक कुजियो, जहर है की प्यार तेरा चुम चुम। बस कर मेरे बाबा फोन रहा। ओके ठीक है, हैप्पी मंडे, बाय डे। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, अभी से वो बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं लेकिन नहीं बेटा, आप मुझसे आप मेरी बात समझिए एक सेकंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी कौन बोल रहा है? यार एक दो लोग बात कर देने, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो। अटके कर देंगे। कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं बउआ बोल रही हूँ। किसको लगाया फोन? किसको लगा? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे दो रोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटो? अरे मर रहा है तू, मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया भाग रहे हो। एक सेकंड क्या? ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? इज्जत से बच के दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई
मुझे गंदा बोलिए, इससे अच्छा पीनी को बोलो। अच्छा बात बताओ, बात क्या हुई, बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी, अवाना जी हाँ। नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा? मैं ग्राउंड फ्लोर पे देता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराया दे देता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो दे गई तुमको, तो क्यों? वो जब दे रहा है तो तेरी क्या दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूँ, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किरायेदार वो भी इसको। और क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे आवाज तो है इसकी, आवाज पर नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज वाले, किराया दे नहीं रहे हो ज्यादा, वो बकर रहे हो वहाँ पे। भाई आप, मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया, मैं देखो बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय, अरे अजय फोन रख साले, तुम लड़के। अरे आप, अरे आप, अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पड़ फाट के जींच वाले को। आए, आए, मैं मर गया। हेलो, तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना है, इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मैं इसको क्यों बोल रहे आप? अजय जी, हेलो। विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था, आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक। तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं, जस्टिन बीबर को? हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बता। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो, क्या सोच रहा है बोलो। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बड़ी अपने ले ले। इसीलिए मैंने पॉज दिया, मैंने सोचा शायद तू कुछ बोला। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है अपने बाप से। हेलो यार, आप फोन काट रहे अंकिल, तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था, तू सोच रहा था मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ यहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं, ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रहे, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला गई हो। गलत बोल रहे हैं, भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली देखूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच है, मैं जा नहीं सकता। तो आप बहुत वेरी गुड। हेलो, काट दिया। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है, क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए अब। हेलो, प्रणाम अंकिल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रही हूँ। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है, टमाटर। हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा ये अच्छा है? अच्छा है बोल रही है? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको, लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलते ना तो लाठी वाला, वो लाठी लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, बोल तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं? वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तू उसमें मत पड़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? पक्का? हाँ पक्का। देख ले सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना दे। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा।
नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, जिसका दूध उसी का पनीर, यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौंके जा रहे हैं? डोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या भौंके जा रहे हैं? क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू, और अगर मटर का खेत है अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी मैं नहीं, मैं नहीं, मैं सबको दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल, भगवान करे तुझे कभी टमाटर ही न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। तुषार फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई आज दुनिया में हर एक सेकंड एक नई चीज इन्वेंट की जा रही है, एक नई चीज का आविष्कार हो रहा है। बउआ भी अगर कुछ आविष्कार करे तो क्या खोजेगा बउआ, ये सुनिए आप। हेलो, हेलो, कौन जी? बउआ बोल रहे हो अंकिल? बउआ बोल रहे हो, आपसे दो मिनट चाहिए। बोलो। मैं ना एक अपनी प्रयोगशाला में बैठा हूँ, और अपनी प्रयोगशाला में मैंने अभी अभी एक आविष्कार किया। अच्छा बोल, क्या किया आविष्कार? मैंने एक टीका बनाया, टीका। अच्छा, टीका कैसा होता है? दो प्रकार का, एक जो माथे पे लगता है और एक गंदी बात नहीं। अच्छा बोलो, चलो बोलो। हाँ जी, तो उस टीके से क्या है ना, बवासीर जो होता है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, एक टीके में पाइल जड़ से खत्म। अच्छा। बस एक ही कमी रह गई, क्या? मैं इस टीके को टेस्ट नहीं कर पाया। अच्छा। मैं सोच रहा था अगर कोई मिल जाए तो बस ये टीका उस पर टेस्ट कर लूं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। मेरे मुझे बवासीर है ही नहीं। हाँ, आपको नहीं है? हाँ, नहीं है। इसका दूसरे उपाय मेरे पास है। क्या? मैंने इससे पहले और एक टीका बनाया था। वो किस चीज का? जिसको लगाने से फट से बवासीर हो जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट। हेलो, काट रहा है। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नाम याद है? एक सेकंड रुकिए। आज से 50 साल बाद जब NCERT की एक नई किताब छपेगी, बच्चों को पता चलेगा कि मानव आविष्कार हुआ था पाइल्स के टीके का इतना बड़ा, और उसका प्रयोग आप पर हुआ था, तो सोचिए कितने गर्व की बात होगी। मैं साले तो कर रहा है, आप टीका अपने बाप को लगा, अपनी माँ को लगा, मुझे को लगा है, उसमें तंग रखा है, अबे है के मर गया पागल साला। नहीं नहीं, चुपचाप सुन रहा हूँ, गाड़ी भेजो क्या? गाड़ी ले अपनी अंकल। हेलो, हेलो, अंकल जी नमस्ते, मैं आपसे दो मिनट। हेलो, ये गेट यार, आप ऊपर मत बोलो ना, आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते, आपसे दो मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो उसे रोका जाए। अच्छा। आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन दो ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो कुत्ता, या दूसरा, घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खुले रखना है, कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत, मैं बताता हूँ, देखो, अगर दरवाजे खुले, हेलो बोल, अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा। खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे, तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता, आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी, तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड, फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे? हाँ। फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे, तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आज भी 93.5 FM बजाते रहो, अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सब्सक्राइब करना ना भूले बुआ की बातें चैनल को। हेलो, 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 हाँ कौन भाई? भाई एक मिनट वापस, हेलो बोल। हेलो, एक बात बोल।
अरे कौन बोल रहा है सुबह सुबह हंस रहा है? एक बात बोलूं भाई साहब? हेलो अंकिल, दो पैसे की आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है भाई सुबह सुबह टाइम पोटी कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी दो पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साला बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खड़ा है भाई साहब? मेरे को एक मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे एक मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना सुन सुन मेरी बात सुन, तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आ गए, इज्जत करते होंगे, चल। अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे, चट। मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया तो? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से अब आप भी अजीब आदमी। देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है? लगते हो भाई साहब दो पैसे दोरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बल्लो अकेले बस। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो, हाँ जी अंकिल, मैं कह रहा था बहुआ बल्लो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियाँ और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा, इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा, भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा, अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ, घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। आजकल इंसान नाक में कान में पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। आप सही कह रहे हो, गलत आदमी। सुनिए तो, अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा, आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे, अंदर से निकाल के कर सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से, टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया, मेहमान भगवान समान होता है, और साफ साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा, और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है, वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला, दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ, वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहाँ जाके खुश करना भगवान को। अबे भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप, गलत
तू मेरे को मार रहा है सुबह। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात भाई साहब। भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख। दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वालों के लिए। नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? ये जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोला आपके फेसबुक फ्रेंड है, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात हो गई भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनने चाहिए कि नहीं? भाई है कौन बोल? मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान आपका है? शादी हो गई गर्लफ्रेंड? क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात में तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से? तू उम्र में मार ले। देखिए नहीं, वाइफ है यानी आप? शादी हो गई है ना आपकी? हाँ हो गई है। सब कुशल मंगल चल रहा है? बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी, बता क्या? क्यों मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊ तुझे? प्लीज मतलब क्या कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, जैसे आप क्या है पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए। सुनो फिर, शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है वो, किसी और से शादी करेंगी? अपने किसी और से शादी? वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना है। 93.5 FM बउआ बल्ले बजाते डोंकी। हेलो, बात कट रही है मुझसे मेरे भाई? कौन बोल रहा है भाई? बात कट, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। तो फिर कंधा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है वो, गुस्सा होगा तेरे से? गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है वो, बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारा नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। डॉक्टर चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे अपने भाई से, कौन है तेरा भाई? बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कट जाए बेटा। मम्मी से बात करा अपनी। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ? अरे मम्मी, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे कहता है भाई है मेरा भाई, बताओ। अरे कर दो ना एक और भाई, शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है, मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है 50 किलो? अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है। और किस में कर रहा है वो? हिंदी में करेगा तो मैं हिंदी। हाँ। बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई, गंदा हो गया। मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब साहब बात कर रहे हैं? मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ जा रही है, कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं जी? मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ जी। बताइए किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना?
जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफ ज्यादा बेपना अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ मुआफी चाहूंगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को, तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक रब्ता कायम करना चाहते हैं। जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ बिल्कुल, के उनकी बॉल कोहली नानी जान की, मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं, शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे। उनकी गेंद पर हाँ, मैच के दौरान, अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है 54 छक्के मारेंगे, अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम, इसके बच्चे इतनी वाली बात। तो जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा, बड़ा मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं, मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना जाए यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफ ज्यादा बेपना अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो आवाज आ रही है आपको। हेलो जी कौन। अंकिल जी नमस्ते। कौन नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है, बता चुका हूँ मैं आपसे, एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक दो चीजें नहीं बदली हैं, एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज जिफ्स वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ, गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला आपको, मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा यार मेरे मैसेज से क्या। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूँ, कौन सा रखूँ जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली, ये रखूँ डिलीट कर दूँ। कौन बोल रहा। एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की न हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो डाइमिंग भी नहीं हुआ, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है। डिलीट कर या कुछ कर दूं हमें भी। एक और सुनो, ये वाला सुनो, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मंगल मैं हूँ आपका होली का त्योहार, ये रखूं डिलीट करूं। हाँ ये रख ले राधे राधे। ओ वाह वेरी गुड, धार्मिक तो हो थोड़ा सा है ना अंदर से। हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं, इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। एक सुनो ये देखो, ये बहुत लंबा आया है, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं अभी तो और है, लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं, लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने बाल काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है, बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है, गुलशन क्या हुआ, गुलशन को क्या बोल रही, इसमें गुलशन का क्या लीजिए। ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है, कौन है गुलशन।
सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक को आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक को राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी, गलत बोल रहा है, बात करता है चीची बोलता है 93.5 FM बहुआ बोल रहे अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब जी। नहीं जी नहीं रेड हूँ नहीं, मैं बहुआ बोल रहा हूँ नमस्ते। नमस्ते आपको, हेलो आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हाँ हाँ, सही समय हो गए? अरे जल्दी बोल, थापड़ मारूंगा, फोन किया है काम में। सॉरी आपकी आवाज़ धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ। कि अगर अगर क्या? मैं हाँ। आपके हाँ। सामने, अरे बोल ना, हग दूँ तो हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हग दूँ? उठा के वही तेरे मुंह पे रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। इस फोन तक बढ़िया गलत जवाब, चेट गलत नहीं, चेट सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन तक दिमाग खराब कर रहा है, गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो। गलत आदमी, चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। We need to change the mentality of the pupils. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी, छी यार। हेलो हेलो हेलो, सो तो नहीं रहे भैया? नहीं सो तो नहीं उठ के। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो, मैं अंकल नहीं हूँ, सॉरी। आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है, जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता, मैं यही कह रहा था। आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल, हिंदी इंग्लिश विच एवर कम्फर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल ले भाई, हिंदी बोल जाएगी पीने के लिए भाई, मुझे लगता है शराब। भाई साहब वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, लगता ही नहीं। गलत, मेरी बात सुनो, सीरियस, वेरी ऑन द डॉक्स, सॉरी ऑन द टॉपिक्स, एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो, हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु, हाँ यही यही गलतियां लोग करते हैं। जीने जीने के लिए मकसद चाहिए, मकसूद चाहिए, मकसूद नहीं मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य, मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? है ना, पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जुफ देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मुझे नहीं देते हैं क्या? हेलो, देते हैं भाई, हाँ। देते हैं तो भाई। आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, क्योंकि आप सीढ़ियां चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाय है। और जब सीढ़ियां रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर जी। अब कहां से आए, शाय है क्या? अरे भाई साहब गलत बात, मेरे अंदर अब मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान इस बात इंसान बने ना, मैं उसकी पहले बात कर रहे आप 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हूँ बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई हैव सो। हेलो, हाँ जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, इंग्लिश हिंदी व्हाट एवर इज कंफर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी हिंदी। मैं कह रहा था मेरे को, मैं कई लोगों को, वो स्ट्रैंग नंबर, सॉरी मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम बताओ तो सही, जब मैं बात करेंगे ये है ना भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता रहे जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत, हवा पानी, खाना पीना। हाँ प्यार मोहब्बत, हवा पानी, खाना पीना है,
इसमें से मैं हवा को आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं, मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए, पूछो कैसे। मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट, हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो कहा खाएगा क्या, चना। चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है, ताकत है ना। सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है, निकलता तो पेट भी है, पेट पालने के लिए इंसान को दो रोटी कमानी पड़ती है। हाँ, मेरी बात सुनो, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है, रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, खुश होते ही मिठाई बांटता है। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी, मिठाई नहीं। अरे सुन, मेरे पास मारना पड़ता पूरी हिस्ट्री घाटे रख दी जी, मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे मिठाई से बात। चैट, गलत बात नहीं कर मेरे में, फोन में ऐसे होता है, चैट वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बहुआ बल्ले हूँ।